सतना निवासी और जबलपुर सिटी हॉस्पिटल में पदस्थ डीएम कार्डियोलॉजी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन शर्मा ने इस समय कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते कुछ उपयोगी बातें लोगों के लिए की है। उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने हृदय रोग से संबंधित, कोरोना से संबंधित और किस प्रकार इस समय अपने शरीर को ठीक रखें इसके बारे में बातें की हैं। आप सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर नवीन शर्मा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज आपको वैश्विक महामारी कोरोना के संबंध में कुछ उपयोगी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि यह कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू वायरस जैसा नहीं है और इसकी इन्फेक्टिविटी बाकी वायरस से काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और इसकी हमारे बॉडी की सेल्स में अटैच होने की शक्ति भी बाकी वायरस से ज़्यादा है। अगर 100 लोगों को इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो लगभग 80% लोगों में ना के बराबर या बहुत ही हल्के सिम्टम्स ही आते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार होना या लूज मोशंस लगना, और यह मरीज बिना किसी इलाज या बहुत ही नॉर्मल इलाज से स्वतः ठीक हो जाते हैं। जो बचे हुए 20% मरीज हैं जिनमें गंभीर सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, यह वो लोग हैं जिनकी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो बाकी नॉर्मल लोगों से कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको कोई कैंसर की दवाई चल रही है, या फिर आपकी उम्र 60 या 65 वर्ष से ऊपर है, तो इन मरीजों में घातक सिम्टम्स हो सकते हैं इस वायरस के। और इन 20% पेशेंट्स में जो सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी होना, बुखार का ना उतरना और मानसिक अचेतना हो जाना, ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं और इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज करना अनिवार्य है। इन 20% मरीजों में भी सिर्फ 5% ऐसे मरीज होते हैं जिनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हृदय रोगी हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के दौरान बहुत ही स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करें, घर पे रहें, कम से कम लोगों से मिलें, अपनी दवाइयों का स्टॉक पहले से ही पूरा करके रखें, 1 हफ्ता पहले दवाई ख़त्म होने के घर पे आ जानी चाहिए। सभी डॉक्टर्स इस दौरान एकदम निःशुल्क आप लोग की सेवा में तत्पर हैं। आप व्हाट्सएप पे फ़ोन करके अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर डॉक्टर आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं। और दवाइयों का डोज, दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो अपने फिजिशियन से आप टाइमली टू टाइम रिवाइज करवाते रहें। दवाइयाँ बिल्कुल भी समय पे ही खानी है और उसकी डोज को स्किप नहीं करना है। एक्सरसाइज करते रहें, अच्छा खाना खाएं और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखें। इसी तरह से हम इस वायरस को हरा पाएंगे। तो स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड वी होप कि वी विल डिफीट दिस वायरस एंड लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल वेरी सून। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, निश्चित रूप से डॉक्टर नवीन शर्मा ने जो एडवाइस दी है हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से माहौल है उस माहौल में अपने शरीर को बचाना और अपने आप को बचा के चलना ही जरूरी है। आप इस संबंध में डॉक्टर नवीन शर्मा से संपर्क भी कर सकते हैं, उनके नंबर भी हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद।